किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं नर्सरी कैसे तैयार करें, गोभी हो या बंधा की, आप नर्सरी कैसे तैयार करें। तो किसान भाई आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं ये मेथड आप किसान भाई अपना सकते हैं। दूसरा, आप हमारे देखिए किसान भाई देसी नुस्खा अपनाए हुए हैं, तो हम लोग तो ऐसे ही बोते हैं, क्योंकि एक दो बीघे के लिए अगर बेड तैयार करनी हो तो आप आसानी से 4-5 बेड बना के ऐसे ही आराम से तैयार कर सकते हैं। किसान भाई आपको हम बताएंगे, देखिए आप तैयार करें, प्रिपेयर करें अच्छे से अपना खेत, छोटा सा एरिया, तो उसमें ऐसे ही बोएं। किसान भाई ये देखिए, हाँ कोई भी काम करें तो आप अच्छे से करें, तो आप इस तरीके से आप उसको मतलब खेत को बना सकते हैं। उसके बाद एक हम मैन्योर जो है, खाद जो है गोबर की, वो अगर सड़ी हुई हो तभी आप उसको मतलब अच्छे से, मिट्टी की तरह भुरभुरी होनी चाहिए, तो उसे चाल लें आसानी से। और इस तरीके बेड बना के आप उसके ऊपर मतलब बीज का छिड़काव करके वो वाली गोबर की खाद चली हुई अच्छे से उसके ऊपर एक एक चावल भर का इतना डालें कि बंद हो जाए, बस बीज एक एक चावल के जितना ऊपर हो जाए इतना काफ़ी पर्याप्त है। ठीक है किसान भाई, अगर आपकी मिट्टी मतलब काफ़ी अच्छी है, जमावदार है, बढ़िया है, दोमट मिट्टी है, तो आप ऐसे ही भी बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर आप मैन्यूर डालते हो, खाद डालते हो, तो उसके लिए कंपोस्ट खाद हो अगर, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। अगर आप खाद डालते हो तो हाँ पौधा जो है, आप खाद की बात जानते हो क्या होता है। ठीक है किसान भाई, तो आप उसका छिड़काव करके उसके बाद पलाव बंद कर दें। किसान भाई ये देखिए, आप एक दवाई है कार्बेंडाजिम, इसको आप याद कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका उपयोग बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी तो हम हाँ खाद वो बीज बो के उसके ऊपर पलाव डाल दें, मतलब खरपतवार से बंद कर दें। जब अंकुरित हो जाए बीज, उसके बाद जो है आप उसको, अंकुरित होने के बाद वो 1-2 दिन में 3 दिन में अंकुरित हो जाएगी, उसके बाद आप उस पलाव को हटा सकते हो। ठीक है किसान भाई, हाँ इस तरीके के मौसम में किसान भाई आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप चारों तरफ थंबड़ उम्बड़ गाड़ के उसके बाद आप उसको सुरक्षित ज़रूर रखें। जैसे कि आपने पहले पिक्चर्स में देखा किसान भाइयों ने, कैसे चारों तरफ गाड़ के उसको सुरक्षित रखने के लिए, किसी भी मौसम में पानी, इस मौसम में पानी बरस सकता है, धूप इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसे बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है किसान भाई, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और आप समय समय पर मतलब ध्यान देते रहें कि आपकी नर्सरी जग रही है, कहीं ऊपर वाली पपड़ी मतलब सतह टाइट तो नहीं हो रही है। आप मशीन से इतनी नमी बनाए रखें, मशीन से पानी का छिड़काव करते रहें कि बीज कोई नीचे जब तक अंकुरित सारा ना हो जाए तब तक नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। ठीक है किसान भाई, इतनी नमी बनी होनी चाहिए कि मतलब पेड़ गले भी ना और आपका पेड़ अच्छे से उगे। किसान भाई इतना आप समझ गए होंगे। हाँ फंगस अगर लगने वाला हो तो आप उसमें कोई भी फंगीसाइड आप डाल सकते हैं, जैसे साफ आता है, आप आसपास जहाँ दुकानें हों तो वहाँ पता कर सकते हो, आसानी से वो बता देंगे, कोई दे देंगे, उसका छिड़काव भी फंगस अगर लगने लगे तो। उसके बाद आप, मैं बताने जा रहा हूँ आप नर्सरी को कैसे लगाएं। ठीक है किसान भाई, क्योंकि कुछ किसान भाई लगाते हैं उसके बाद आपका वो पौधा चल नहीं पाता है खेत में, तो मैं बताता हूँ क्या करें। तो किसान भाई आप नर्सरी जब निकालें, नर्सरी पेड़ उखाड़ें, तो उसके बाद जब लगाने से पहले आपके घर में कोई कीटनाशक दवाई हो या आपके यहाँ फंगीसाइड यही साफ वाफ हो, तो कीटनाशक दवाई से उन जड़ों को पानी में घोल बना के मिट्टी छुड़ाते हैं, तो आप उसे धुल जरूर लें। तो किसान भाई इससे क्या होगा, जो भी जड़ों में फंगस या कीड़े मकोड़े लगे होंगे वो आप जब उसको गाड़ेंगे तो वो नहीं लग पाएगा, इससे आपका कोई भी पौधा मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं किसान भाई। ठीक है, तो आप ऐसा ज़रूर करें। और किसान भाई मैं छोटी सी और आपको सलाह दे देना चाह रहा हूँ, तो आप सूखे खेत में ही पेड़ की रोपाई करें। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप आपका खर्च जमा होगा, तो सींच कर अगर उसको लगाएंगे तो आपका ये रहेगा कि आपका खेत जमाव ले लेगा, तो उससे मतलब खरपतवार और ये सारी चीज़ें जमाव ले लेंगी। तो किसान भाई